टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मिनी रत्न कैटेगरी वन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा बताने की जरूरत है। ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है। तो इसी और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुछ वैकेंसीज को बाहर निकाला गया है। आज हम उन्हीं वैकेंसीज की बात करेंगे और देखेंगे कि हम सिविल इंजीनियर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर है। ओके, चलिए। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपना ऑफिशियल करियर पेज है और इसी करियर पेज के ऊपर इन्होंने एक जॉब पोस्ट को पब्लिश किया है, एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया है और वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब इस पोस्ट के बारे में जानेंगे। ये पोस्ट बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और इसमें कुल 400 पोस्ट को वैकेंट किया गया, यानी 400 वैकेंसीज है। ठीक है, आपके लिए अच्छा मौका है अगर आप इसमें अप्लाई करते हो, अगर आप एलिजिबल होते हो और एप्लीकेशन के अंदर आपका चांस लग जाता है, शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, तो बेहतरीन मौका है। ठीक है, चलिए। अगर आपको इस एडवर्टीजमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करनी है तो यहां पर देखिए अपडेटेड ऑन का एक ऑप्शन है जहां पर लिंक दिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने उसका ए पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज के ऊपर देखोगे डाउनलोड लिंक है। यहां पर देखिए लिंक जो है ना, यहां पर डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके सामने ये एडवर्टीजमेंट वाला जो पीडीएफ पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, पीडीएफ फाइल। अब इस पीडीएफ फाइल के अंदर वन बाय वन हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वही इस पे फोकस करेंगे। वैसे बहुत लंबा एडवर्टीजमेंट है, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा लाइन बाय लाइन। लेकिन अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट का नेम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पोस्ट की अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो दो तरीके से यहां पर रखी गई है। एक तो है कि भाई आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, या फिर आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, चाहे वो सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी। लेकिन शर्त यह है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, किसी भी सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, तो हम अगर सिविल इंजीनियर्स की बात करें तो सिविल इंजीनियर के अंदर पहले ही साल के अंदर जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो आ जाता है। इसलिए हम इस हिसाब से अगर आप एक बीटेक या बीई सिविल होल्डर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, चलिए। तो अब ये हम सिविल इंजीनियर्स की बात हो गई। अब देखते हैं कि इसमें आगे इसी कॉलम में क्या कहा गया कि भाई कैंडिडेट जो है शेल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी विद स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, यानी जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहा है उसको इतनी उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इजीली प्रोफिशिएंसी के साथ, मिनिमम प्रोफिशिएंसी के साथ इंग्लिश बोल सके और लिख सके, यानी जो 10+2 की जो एबिलिटी होती है कम से कम उतनी तो उसके पास होनी चाहिए और एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है या एसेंशियल नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस नेसेसरी नहीं है। ओके, अब अगर मैं कुछ कैटेगरी है यहां पर, ये है कि कैटेगरी ऑफ डिसेबल्ड सुटेबल फॉर जॉब, तो अगर आप एसिड अटैक विक्टिम्स हो तो आपके लिए जरूरी होता है सब्जेक्टेड टू मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर एटीसी लाइसेंस एंड विदाउट मेजर रिस्ट्रिक्शन, यानी वो आपको एंश्योर कराना पड़ेगा कि आपके जो बॉडी पार्ट्स है, जो मसल्स है, उनकी मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इजिली मूवमेंट मूवेबल है। ओके, अगर फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ये यहां पर इन्होंने शॉर्ट टर्म से दिखाया कि भाई सिटिंग या फिर स्टैंडिंग, बेंडिंग, हियरिंग है ना, ये सारी जो कम्युनिकेशन और रीडिंग, राइटिंग, सीइंग, ये सब उसके शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म यहां पे दे रखे हैं। तो ये जो सारी फिजिकल कंडीशन है ये फंक्शनिंग होनी चाहिए, ये प्रॉपर वर्किंग में होनी चाहिए कंडीशन में। ठीक है, ये आपकी मिनिमम उसकी एलिजिबिलिटी होती है। और अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा कि 400 कुल वैकेंसीज है जिनमें से कैटेगरी वाइज यहां पर उन्होंने डिविजन दिया है। ओके, तो ये इसके पोस्ट के बारे में आ गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन और कैटेगरी वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन। आईएएस की और भी डिटेल जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। जो भी डिग्री आपके पास होगी बीए बीटेक सिविल की, वो एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी या जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए और आपके जो ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस रहेगा एकेडमिक के अंदर उसमें मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी 60%। अगर 60% मिनिमम आपका रिजल्ट है बैचलर डिग्री के अंदर तो ही आप इसके अंदर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसकी अपनी एक फीस भी है। इसको अगर अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन की फीस है, वो फीस आपकी बर्बाद ना हो, इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका 60% मिनिमम है उसमें परसेंटेज तो ही अप्लाई कीजिएगा। 60% से नीचे है 50-58, और अगर आप सिर्फ ऐसे ही चांस लेने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मत कीजिएगा। ठीक है, आप वहां पर रिजेक्शन की शिकार होगे। ओके, तो चलिए, ये 60% मिनिमम होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, उसके अलावा एज लिमिट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि भाई 14/7, आप ध्यान रखिएगा 14/7/2022 इस फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा ये इसकी फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है। ओके, तो 14/7/2022 पे जो है आपकी मैक्सिमम एज यहां पर दे रखी है 27 years से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 27 years से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा।
और इसके कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, वो आप पढ़ सकते हो इत्मीनान से यहाँ पर। ओके, अब इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो ओपनिंग डेट जो थी इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो तो ओपन हो चुकी है 15/6/2022 से। लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट यहां पर 14/7/2022 है, ये ध्यान रखा जाए, ठीक है। और इसका एक टेंटेटिव डेट दिया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन के बाद आपको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या होगा, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो उस एग्जामिनेशन को आपको देना पड़ेगा, उसकी टेंटेटिव डेट आपको इनकी वेबसाइट पर अनाउंस की जाएगी, बताई जाएगी, तो आपको इनकी वेबसाइट पर भी ट्यून्ड रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं रेम्युनरेशन यानी सैलरी की। तो यहां पर आपके सामने है ये सेक्शन कि भाई 40,000 से 1,40,000 तक आपका पैकेज जा सकता है, और अगर हम बाकी अलावेंस और गवर्नमेंट बेनिफिट वगैरह की बात की जाए तो पर एनम आपका अगर सीटीसी देखा जाए तो 12 लाख के अप्रोक्सीमेटली जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको उसके रेम्युनरेशन या सैलरी की बात हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका चांस लगता है इसके अंदर मौका मिलता है तो बहुत अच्छा मौका आपको मिल जाएगा, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, आगे कुछ डिटेल और भी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, बहुत लंबी और बहुत डिटेल्ड ये एडवर्टाइजमेंट है, अगर पूरी पढ़ने जाओगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताने लायक है आपको वही बता रहा हूं, बाकी जो पढ़ने वाली चीजें हैं डिटेल में वो आप इत्मीनान से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये तो उसकी डेट हमने देख ली इंपॉर्टेंट, और सैलरी वगैरह देख लिया, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो भी जरा मोटा माटी ऊपर से देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले इसके पोर्टल पर रजिस्टर करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वहां पर प्रोवाइड करने हैं, उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास करना है, अगर पास हो जाते हैं तो आपको उसके मार्क्स के ऊपर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट के कैंडिडेट को उनकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया जाएगा, और उसके बाद आपको उनके द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा कि फर्दर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है या जो इंग्लिश टेस्ट वगैरह होता है वो भी आपको फुलफिल करने पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको देखना आपके सामने दिख रहा है, ये ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी, ये आपको टेस्ट अटेंड करना पड़ेगा, इसके अंदर अगर आप फेल हो जाते हो तो भी आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पास करना पड़ेगा। ओके, चलिए, और अगर आप इन सब में पास होकर निकल जाते तो फिर आपको कॉल लेटर वगैरह, ऑफर लेटर वगैरह वो आपको आगे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी बेसिक प्रोसीजर है सिलेक्शन की। इसके अलावा अगर मैं आगे कुछ चीजों की बात करूं तो कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, तो इनका मैं आपको लिंक बता दूंगा कि हाउ टू अप्लाई के लिए, देखिए ये है उसकी एक लिंक। ओके, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको उस पर क्लिक करना है, ये आपका पेज ओपन हो जाएगा, और यहां पर आपको पहले शुरुआत में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, और आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है वन बाय वन कि भाई इसको अप्लाई करते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अपना एक खुद का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओके, ई कम्युनिकेशन के लिए, उसके बाद आपकी स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर होनी चाहिए, और सिग्नेचर स्कैन कॉपी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए अप्लीकेशन करते वक्त। और इसमें आप इस पेज में जब एंड में जाओगे लास्ट में, यहां पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, ओके, टिक करना है, और साइन अप एंड स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन की प्रोसीजर शुरू हो जाएगी, वहां पर आपको अपनी डिटेल रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको वहां पे भर्ती जानी है और फिलअप करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। जो जो चीजें वहां पे मांगेगा डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारे आपको प्रोवाइड करना है, और अगर आपको डॉक्यूमेंट या उस पूरी एप्लीकेशन को फिलअप करते समय कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो इनका एक जो एप्लीकेशन पोर्टल है या हेल्पलाइन नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर है, वो आपको दिया है, आप यहां पर भी संपर्क करके उनसे बातचीत कर सकते हो, अपने डाउट को वहां पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो एप्लीकेशन की प्रोसीजर थी कैसे अप्लाई करना है। उसके अलावा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसकी फीस कितनी होगी, है ना, एप्लीकेशन की फीस होगी। तो एप्लीकेशन की फीस की अगर बात की जाए तो अगर आप एक ओपन कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हो तो आपको ₹1,000 फीस पे करनी पड़ेगी। फीस पे करने के लिए ऑनलाइन हुई, ऑनलाइन मोड से ही पे करना होगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही पे करना होगा। आगे जब एप्लीकेशन आप प्रोसीड करोगे तो एट द एंड आपको फी पे करने का ऑप्शन आएगा, वहां से आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी, अदरवाइज वो सबमिटेड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो आपको अगर आप ओपन कैटेगरी से हो और मेल कैंडिडेट हो तो 1,000 पे करना पड़ेगा, या फिर अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको ₹81 ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको मैं इसकी फीस पेमेंट की मैंने जानकारी दे दी। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो आप जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फोटोग्राफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिग्नेचर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो भी आप इत्मीनान से यहां पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो थी इसकी एडवर्टाइजमेंट के बारे में मोटा मोटी चीजें। अब जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसकी बात करते हैं, तो ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा उसकी वैसे डेट आपको बता दी जाएगी उनकी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन एग्जामिनेशन में आएगा क्या, देखो एग्जामिनेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे पूरे, जो कि टोटल 120 मार्क्स के होंगे, और ये
जो है 120 मिनट्स की होगी, यानी दो घंटे का पेपर होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। और इस पेपर में बेसिकली दो पार्ट होंगे, पार्ट वन जो कि 60 मार्क का होगा, पार्ट टू जो कि 60 मार्क का होगा। पार्ट वन की बात की जाए तो इसमें इंग्लिश लेवल या सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, इन सब चीजों से क्वेश्चंस होंगे। और बाकी जो पार्ट बी होगा उसमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों के जो क्वेश्चंस है वो 10+2 लेवल के जो सवाल होते हैं वो होंगे। ठीक है, मतलब 50-50% का इसका वेटेज होगा। ओके, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अगर आपको इसके बेसिक क्लियर है और आपको लगता है कि आप इसको क्लियर कर लोगे अच्छी तरह से, तो इसमें बेहतरीन मौका है, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, एक चांस जरूर इसको दीजिएगा। अगर आपका लक इसमें आपका साथ देता है और आप अगर इसके कैपेबल हो, एलिजिबल हो, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट हम सिविल इंजीनियर्स के लिए और बाकी इंजीनियर्स के लिए भी। ओके, एलिजिबिलिटी है तो अप्लाई कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आपके लिए हमारे इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।